अस्सलाम वालेकुम, मैं शफकत हुसैन। क्या हाल है आपके? आज की वीडियो जो बनाने लगे हैं वो है स्टार सेट का मॉडल, जो आपकी पहले कंडीशन इसको दिखाते हैं। ये ओल्ड में है, किसी दोस्त को चाहिए तो फिर ये है, तो फिर इसकी ओल्ड में क्या होनी चाहिए, इसकी प्राइस कीमत। तो इसके साथ तो वैसे ये डब्बा होता है, और है भी ये पुराना पुराना है डब्बा है। कहने का मकसद ये है कि ये रिसीवर तो यूज़ में है, और फिर उसमें HE 265 ये है, और 5000 mAh बैटरी है इसमें। और साथ में इसकी भी बात करते हैं, और एक साथ ट्रैक भी करके दिखाते हैं आप लोगों के साथ। ये मेरे पास ऑलरेडी जो मैंने यूज़ किया है ये है अच्छा, लेकिन स्टेप बाय स्टेप सिग्नल तो ये दिखाएगा, और कम बहुत हैं जो रिसीवर हैं चाहे फेंडर हैं जो स्टेप बाय स्टेप सिग्नल दिखाएं आपको। कहने का मकसद है एक एक, लेकिन इसकी बैटरी सबसे कम है, थोड़ी सी बैटरी है, तो थोड़ी बैटरी है इसकी। ये मैं यूज़ कर रहा हूँ स्टार सेट जो SF002 है, जो ये उसका ये अडेप्टर भी है और साथ में होता भी है। और तो खैर इसमें साथ ये एक कवर है, ये कवर होता है बेल्ट इसके ऊपर लगता है, और ये कवर है, ठीक है। ये हुआ, ये बेल्ट है, ये अडेप्टर है, ये खुद है देख सकते हो। और फिर उसके बाद इनके यहाँ पे ये बटन हो गया, क्योंकि ओल्ड में है होता है तो उसकी एक एक चीज़ थोड़ी सी दिखानी पड़ती है, और फिर नया तो नया है, नया मेरे पास ये है, लेकिन ये काफ़ी महंगा है, 22,800 का ये नया है मेरे पास, और 5000 mAh बैटरी। बैटरी के लिए ये बेस्ट है, इसकी बैटरी ख़त्म नहीं होती, और ये देख सकते हो इसके कुछ यहाँ पे मेंशन भी है। और हम अब ट्रैक करते हैं इनको, और इसके साथ जो है इनको भी इसको भी एक साथ सेटेलाइट, फिर इसकी कीमत प्राइस बताते हैं। तो ये पहले वाला मॉडल है, और वीडियो लंबी ज़्यादा हो जाती है यहाँ पे, अक्सर पता है दोस्तों को जो ये, क्योंकि अक्सर लेते डिश फीडर ही हैं, मतलब डिश सेटिंग करने वाले को सब पता होता है सेटेलाइटें कैसे ऐड है या कैसे एडिट है। तो बहरहाल इसमें जो पहले वाला जो ये फैंडर आया था इसमें जूम सिग्नल नहीं थे, तो अब जो आ रहा है उसमें जूम है, और जूम सिग्नल जो है ना इनके, ये देखें ये इसका वर्जन है। और अब हम इसको ट्रैकिंग करने चलते हैं सेटेलाइट, ये चीज़ है, और यहाँ पे सेटेलाइटें भी आप ऐड करें एडिट करें सब चीज़ें होती है। और एक ही सेटेलाइट के ऊपर एक ही फ्रिक्वेंसी Express 80 के ऊपर इसको चेक करते हैं एक साथ लगा के। ये वायर है हमारी, और एक ही फ्रिक्वेंसी है, ये रही 10,979, और इनकी भी यही है 10,979, और सम्बर एड भी एक ही है। अब हम इनको जो है ना सेट करते हैं, ये सिग्नल इस तरह बताएगा 20 से शुरू करता है, और अभी ये देखें वो थोड़ा नज़दीक है, तो फिर ये ऊपर वाला सिग्नल 91 करता है, और ये देखें ये इसका कलर ऊपर वाला चेंज हो जाता है, ये देखें। आगे हम जो स्टेप बाय स्टेप की बात कर रहे हैं, अब इसको देखें, अब हम ऐसे समझें 64% आए हैं ना, 64%, तो अब इसके जो है ना 30 है, 20 से 30, और थोड़ा सा हम और बढ़ाते हैं तो फिर ये 40 हो गए हैं या 69 हो गए हैं। मतलब कहने का यह है कि ये ज़्यादा टप्पे लगाता है, इस तरह मतलब है। और ये अब बर्ड सिंगर ये देखें, बात एक ही है, बस ये थोड़ा थोड़ा एक एक सिंगर बताएगा 64-67, मतलब इस तरह होगा, तो ये नहीं होगा, चार चार बढ़ेंगे, ये 40, 20, और फिर उसके बाद 30-40 इतना आएगा, लेकिन ट्रैक करता है जल्दी।
और ये देखा जितने भी फेंडर हैं मतलब इतने टप्पे लगाते हैं शुरू शुरू में, तो लास्ट में फिर आके दो दो सिंगा दिखाते हैं। चलें ये तो अब मैंने एक थोड़ा जल्दी में बनाया था। अच्छा फिर उसके बाद जो है ना बाकी कंडीशन वाइज तो मुझे दिखानी होती है और दिखाया भी है। और बाकी ये मिलेगा 13 800 का, 13 हज़ार। तो बहरहाल ये कंडीशन वाइज थी, तो ये 200 वीडियो थी कि ये सैटेलाइट फेंडर वीडियो फेंडर है।